Siddhanti Prabhavyasimahatmani Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivastadi Gauru Bhakta Vrinda Balahare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Balahare नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सदस्री श्री श्रीमाद भक्ति श्रीरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण हरे कृष्ण हाँ देखो अभी अभी हम लोग श्री तीरथ महाराज जी श्री बल महाराज जी बुखार बिंद से श्री गुरुपाद पद्म की महिमा को श्रवण करते थे। कहते भाई जो गुरुदेव है जैसे श्रीमन महाप्रभु जब इस जगत में आए वो अकेले नहीं आए वो पूरा के पूरा परिक्रम को देखने आए। उसी तरह जब प्रभुपाद भी आए वो अकेले नहीं आए वो अपना परिक्रम को लेकर गया। क्योंकि इसलिए प्रभुपाद जी ये राधा रानी के नयन मणि मंदिर है। स्वयं राधा रानी श्रीलोक प्रभुपाद को आदेश देते हैं बोले नयन मणि मंजरी जाओ तुम इसी जगत में जाकर के कैसे धीरे 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 महाप्रभु जब चले गए कैसे आउल बाउल लेड़ा लेड़ी सखी बेकी दरवेशाई जितने अपसंप्रदाय अभी बन महाराज कह रहे थे ना सब बाबा जी माता जी लाल कपड़े दोनों पहने हुए और उल्टा पुल्टा काम करना मछली खाना गंजा पहनना और जितने और ये काला चांदी संप्रदाय अब तो सोच नहीं सकते इतने गंदे संप्रदाय। इसलिए उन्होंने जब बंगाल में ये था जब सुनते थे ये चैतन्य महाप्रभु के भक्त है वो नाद सिपड़ा कर रहे थे ये सब बाबा जी माता जी का सब महाप्रभु के नाम पर गंदे घर को फैला रहे हैं। इसलिए श्रीला राधा रानी स्वयं प्रभुपाद को आदेश दिए बोले जाओ तुम जाकर के शुद्ध भक्ति धारा को जगत में प्रचार करो और तुम अकेले मत जाओ तुम अपना परिकरों को लेकर के जाओ। इसलिए प्रभुपाद अपना परिकरों को लेकर के इस जगत में प्रभुपाद जी आए। इसलिए जैसे महाप्रभु का जैसे भक्तों में दिखाई पड़ता है महाप्रभु किसको द्वारा प्रभु गोस्वामी को द्वारा रस सिद्धांत को स्थापन करते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को द्वारा उन्होंने हमारा लक्ष्य क्या है इसको स्थापन किया हरिदास ठाकुर को द्वारा उन्होंने नाम को प्रचार किया सनातन गोस्वामी को द्वारा संबंध को और इसलिए जीव गोस्वामी को द्वारा उन्होंने सिद्धांत को स्थापन किया। इसलिए उसी तरह से प्रभुपाद भी उनका शिष्य में एक एक से दुरंधर थे एक से एक दुरंधर थे उनकी भक्तों में। उसी तरह मेरे जो गुरुदेव है कहते इनको द्वारा प्रभुपाद ने क्या स्थापन किया है कहते इनको द्वारा उन्होंने जैसे श्री जीव गोस्वामी को द्वारा सिद्धार्थ को स्थापन किया इसलिए मेरे गुरुदेव को द्वारा प्रभुपाद भी इन्होंने सिद्धार्थ को स्थापन किया। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कबे जीव गोस्वामी और सिद्धार्थ सलीले घुचाई वे तरका नल जाहे चित्त जले। इसलिए जब हृदय में सिद्धांत नहीं होना तरह तरह का जो तर्क वितर्क हृदय में जब तक ये शांत नहीं हो भैया हमारे बाबा ने गोस्वामी महाराज कहते थे केवल तिलक कंठी पहनने से नहीं होगा। अभी तीरथ महाराज बोल रहे थे ना केवल तिलक कंठी पहनने से नहीं होगा
जब तक कि आप गहरा रूप में आप उसी शास्त्र के सिद्धांत को नहीं समझेंगे। जब आपने गोस्वामी महाराज कहते थे वो उतना ही श्रेष्ठ वैष्णव है कौन, जिसके हृदय में जितने सांप्रदायिक विचार, जिसका हृदय में जितने स्थिर रूप में विद्यमान। नहीं तो क्या होगा, थोड़ी सी इधर उधर हुआ बस भजन भजन छोड़ छाड़ करके तिलक माला घंटी छोड़ करके बैठ जा फिर सच्चाई हो जाते। इसलिए उसी तरह कहते हमारे गुरुदेव जो है इनके अंदर में उन्होंने प्रभुपाद, इसलिए इनका जब मंदिर में आए प्रभुपाद ने नाम क्या दिया, उन्हें सिद्ध स्वरूप नाम दिया है, नाम ही उन्होंने सिद्ध स्वरूप नाम दिया। और प्रभुपाद इनकी विद्वता को देख करके उन्होंने महा महो उपदेशक और इनका नाम उन्होंने दिया सिद्धांत विद्या बाईस। ये प्रभुपाद ने एक कार्य से पता तीर्थ महाराज का नाम दिया है, उसी तरह उन्होंने विद्या बाईस। विद्या बाईस मतलब क्या, मतलब विद्या में दूसरे सरस्वती जैसे, विद्या में दूसरे सरस्वती जैसे थे, इसलिए इनका नाम उपाधि उन्होंने विद्या बाईस ही प्रभुपाद ने इनका नाम दिया है। इसलिए कहते श्रील मेरे जो गुरुपाद पद में है, अभी जो बन महाराज जी बता रहे थे ना जिस समय वहां पर लेकर तो बड़ी लड़ाई झगड़ा हुई, फिर प्रभुपाद ने फिर मेरे गुरुदेव को बुलाए सिद्ध स्वरूप को और सारे लोगों को वहां पर बुला करके जो गण्यमान्य लोगों को बुलाए, फिर मेरे गुरुदेव को फिर खड़े किए प्रभुपाद, बोले सिद्ध स्वरूप तुम ये बताओ तुमने ऐसे ऐसे बात क्यों बताया, कारण क्या है। पहले मेरे जो गुरुदेव ना वो पहले तो बंगाल में जो विवेकानंद को कभी जगत में सबसे बड़े साधु विवेकानंद है, क्योंकि ये सचमुच से उन्होंने जो विदेश में गया था इन्होंने जीरो के ऊपर में है उनका जो सब्जेक्ट दिया था जीरो, लेकिन जीरो के ऊपर में उन्होंने जो वक्तृता दिया उन्होंने लोग सुनकर उनकी वक्तृता को दंग रह गए। इसलिए बंगाल में विवेकानंद को कहते सबसे बड़े साधु है। इसलिए पहले हमारे गुरुदेव भी उनके पार्टी के लीडर मेरे गुरुदेव थे, लेकिन जब उन्होंने भक्ति जगत में मेरे गुरुदेव आए अभी उनका फिलोसफी और भक्ति का फिलोसफी को उन्होंने कंप्रोमाइज किया। हाँ उन्होंने तुलनात्मक को विचार करके देखा भैया इनका फिलोसफी का संपूर्ण बेकू हाँ बोगस फिलोसफी की। फिर जब मेरे गुरुदेव को खड़े किए तब मेरे गुरुदेव ने वहां पर वक्तृता दिए, बोले ये विवेकानंद का जो फिलोसफी है कहते भैया गीता पढ़ कर क्या होगा, गीता पढ़ने से क्या होता है, बेकार है गीता पढ़ गए, इसलिए फुटबॉल खेलो, फुटबॉल करने से शरीर में तंदुरुस्ती आएगी। कहते ये वही हमारे धर्म है, हमारे हिंदू धर्म का जो मूल ग्रंथ है गीता है और गीता स्वयं कृष्ण की मुख निश्चित वाणी गीता है, इसलिए गीता सुगीता कर्तव्य किमन ही शास्त्र विस्तरई जा स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्म विरचित। ये गीता कृष्ण के मुखार बिंद से गीता निकली, जिसको पढ़ने से जीव का कल्याण होता है, भगवत ज्ञान और भगवत प्राप्ति करता है। गीता पढ़कर क्या होगा, ये गीता पढ़कर क्या होगा, कहते भैया तुलसी पौधा में क्यों पानी दे रहे, बोले कहते ये बैगन का पेड़, कहते ये कोई धर्म का, ये कोई धर्म की बात है, कहां तुलसी, कहते ना वृंदा आई तुलसी तत्वी प्रिया ये सब सच कृष्ण भक्ति हृदय देवी सत्य वते नमो, कहां कृष्ण भक्ति देने वाले, कहां हमको बैगन पेड़ में पानी देने का बात, मतलब ये कोई हमारे धर्म है। फिर इनका जो फिलोसफी क्या है, हमारे राम कृष्ण का उनका फिलोसफी है जतो मत ततो पद, जगत में जितने मत है उतना पद है, जितना जगत में मत है, कभी गीता में नहीं लिखा हुआ है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है श्रुतय वेद विवरणा स्मृतय विवरणा नासो मुनि जस मतम न विरणा धर्म से तत्व निहित हुआया महाजन जेना तथा सपद पथ गल एक है, जो महाजन लोगों ने स्वयं वो नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि व्यास के भयम ये जम स्वयं कह रहे हैं हम द्वादश महाजन हैं, इनका मत ही केवल मत ही है और उसका जो फिलोसफी तुम जो कुछ क्यों नहीं करे एक जगह में पहुंचोगे, उनका फिलोसफी जो कुछ क्यों नहीं कर बोले एक जगह में तुम सबके साथ पहुंचोगे, बोले हमारा शास्त्र भी कहता है एक जगह में पहुंचोगे। गीता स्वयं कहता है जाति देवो व्रता देवा पितृ की जाति पितृ व्रता भूतान जाति भूतज जाति माम जलदापि माम, कृष्ण स्वयं कहते हैं तुम जिसको पूजा करोगे वहीं पर जाओगे, भूत पूजा करोगे तो भूत लोक में, देवा पूजा करोगे देवो लोक में है, इसलिए तुम जैसे करोगे वैसे जाओगे, लेकिन
जो मेरी जो भक्ति करता है मेरे पास में, लेकिन फिर कृष्ण कहते हैं आप ब्रह्म भुवन लोका पुनराम भक्ति न अर्जुन। हे अर्जुन, जीव अगर पुण्य कर्म करके ब्रह्म लोक तक भी चले जाए किन्न पुण्य वर्तल भोगति, पुण्य समाप्त होने पर फिर आना पड़ेगा, लेकिन माँ उपतुतु भक्ति और पुनर जन्म न भी करते जो केवल मेरी उपासना करते हैं केवल उनका ही पुनर्जन्म। कहा इस शास्त्र के साथ में सब बुद्धि जी बैठे हुए थे और उस समय को गीता पढ़ते थे सब, तो देखो गीता क्या कहता है और इन्होंने क्या बताया। आप लोग विचार करें, इनको विचार करो, ये विषय पर आप लोग विचार करो, उनका फिलोसफी है सब बराबर है, सब बराबर है। वो उदाहरण क्या देते हैं, जैसे एरोप्लेन में ऊपर चले जाओ ना, नीचे देखो सब बराबर देखता है, कहते अभी तुम लोग सब अलग अलग जो ऊपर उठ जाओ ना बराबर दिखोगे, बोले ये सही थोड़ी बराबर हो जाता है, यदि हमारे दृष्टिकोण का अभाव है क्योंकि हम इतने दूर से सही चीज को नहीं देख पाते हैं, इसलिए बराबर दिखता है, लेकिन सब बराबर नहीं है, सब बराबर नहीं है, हैं? इसलिए गुरुदेव ने जब उन्होंने ये सब बात उन्होंने बताए, ये सब बात उन्होंने विचार करके बताए, तब ये बात को सुन करके बोले भैया ये बात तो सही बता रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो कुछ बताया रामकृष्ण विवेकानंद और जतोपात तत्वपद और उनका क्या, और एक फिलोसफी कहते कहां तुम भगवान को ढूंढ रहे हो, भगवान को कहां ढूंढ रहे हो, दिख रहे ऐसे भगवान सब जीव कहते नारायण नारायण, वो क्या कहते हैं जतो जीव ततो शिव, और नर ही नारायण है, ये नर की पूजा करो नारायण की पूजा करने का जरूरत नहीं, इनका फिलोसफी है। इसलिए उनका फिलोसफी है भगवान और नारायण सब एक ही है, शास्त्र कहते हैं नहीं सब एक नहीं, बल्कि ब्रह्म रुद्रादि देवत्रय समत्वेन विकसते स्वपाशं भवेत दुर्लभ। शास्त्र कहता है अगर ब्रह्मा शंकर जी को भी कोई अगर विष्णु को साथ में बराबर करता है वो पाखंड ही है। कहा जी हाँ दरिद्र नारायण, उनका जो ये दरिद्र नारायण मतलब जो नारायण है ना, जो दरिद्र व्यक्ति है ना वही नारायण है, उनका ये फिलोसफी है। बोले कहा भगवान सारा ऐश्वर्य सब पर न समग्र से विजय से जस से श्रेय ज्ञान वैराग्य से चैव सर्वान भवति ना, जिसको अंदर में परिपूर्ण रूप में ये छह गुण हो उसको भगवान कहते हैं। और कहा दरिद्र, कहा अपना कर्म फल से कहा दुख होकर नारायण कैसे होगा, जब हमारे गुरुदेव ने सारे शास्त्र की कोटेशन की ना वहां पर लोग सुन करके बोले भैया ये गौड़ीय पंडित लोग जो कह रहे सही कह रहे हैं, अभी तक का हमारे दिमाग में ये गंदी चीज बैठा हुआ था, संस्कृत का विरोध बात है रामकृष्ण मिशन और हमारे रविंद्रनाथ और श्री विवेकानंद शास्त्र का विरोध कर विरोध बात करते हैं, इतने जय जयकार हो गया, जितने लोग बैठे हुए थे ना बड़े जोर से ताली बजा रहे, सब लोगों ने ताली बजा रहे नहीं ये गौड़ीय पंडित लोग कहता है सही कहता है। इसलिए जो प्रभुपाद का जो विचार है ना साधारण लोगों का एक विचार, क्या विचार, सत्यम ब्रुआ प्रियम ब्रिया सत्यम अप्रिय ब्रुआ न ब्रिया, अर्थ मतलब होता है सच बोलो सबको, कैसे सच बोलो जो सबको प्रिय लगे, अगर कोई प्रिय वाक्य अगर अप्रिय होता है कैसे बात मत करो। प्रभुपाद कहते नहीं ये जो विचार ये गंदी विचार है, सत्यम प्रिया अप्रिय, अगर वो बाकी अगर अप्रिय होता है अप्रिय बात को बोलो, अप्रिय बात बोलो क्यों, जब तक सच नहीं बोलोगे तब तक जगत में भक्ति कैसे बन के होगा, शुद्ध भक्ति कैसे प्रचार होगा, लोग तो चाहते हैं अपना मन धर्म को हम जैसे चाहते हैं वैसे हो, बोले नहीं उसको तो जीव का कल्याण नहीं। इसलिए प्रभुपाद का जो विचार था सच बोलो, अगर सच सुन करके एक व्यक्ति अगर सुधर गया ना, प्रभुपाद विचार एक व्यक्ति अगर सुधर गया तो, इसलिए प्रभुपाद ने क्या बताया सिद्ध स्वरूप ने लाख रुपया की हमारे प्रचार कर दिया, उसमें लाख रुपया की बहुत बहुत कीमत है। इसलिए उन्होंने ये प्रभुपाद का ये विचार है, हाँ ये प्रभुपाद की ये विचार है। इसलिए हमारे जो गुरुदेव है कहते इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, कहते ये पूर्व बंगाल में ये जन्म हुए, हाँ पूर्व बंगाल में जन्म हुए जिस समय भक्ति विवेक भारतीय बांग्लादेश, जब श्री हमारे भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जब प्रचार करने के लिए गए थे उस समय हमारे गुरुदेव ये कॉलेज में विवेकानंद का पार्टी था जिसमें हमारे गुरुदेव मेन थे, किसने कहा देखो
उन संतों का प्रतिबिंब हम लोग आदर था ही। किसी ने कहा देखो कुछ लोग साधु लोग प्रचार करने के लिए आए, हम अपना कलेज में उसको बुलाए। मैं गुरुदेव अच्छी बात संत लोग आए क्योंकि पहले तो वीडियो का आनंद लाओ बाकी का लीडर थे बुलाओ भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज का महाराज बता रहे थे ना इतने लंबे चौड़े थे विशाल शरीर था लंबे सब लोग खड़े होने का बाद भी इतना ऊंचा थे इसे भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज को प्रभुपाद कब खड़े करते जब देखते थे बहुत लोग है इतने हई होला हो रहा है जो चुप नहीं हो पा रहा है उसी समय पहले इनको खड़े कर दो और इनको खड़े करके लोग देखते ही ना और दर्द मार से चुप हो जाते हैं दर्द मार बाबा इतने लंबे चौड़े वो देख कर डर जाते थे ऐसे ही भारती महाराज थे इन्होंने उनके कॉलेज में जाकर केवल एक श्लोकों को एक घंटा तक व्याख्या किया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युजुस्सभा मामा कहा पांडवास्ते तो किम अकुरु एक श्लोक उन्होंने एक घंटा तक व्याख्या किया और उसको बाद में जैसे हमारे मंदिर में कीर्तन होता है तब मेरे गोपीनाथ मामा निवेदन सुना इसी कीर्तन को गाए बड़ा सुनील कंठ था और उसको बाद में जैसे हमारे भक्त लोग वो मृदंग करताल में खूब नृत्य कीर्तन करते ना मेरे गुरुदेव तो उसको देख करके ना बोलते मैं तो पागल हो गया बल और मैं घर में नहीं आऊंगा मैं तो इनको साथ में चला जाऊंगा गुरुदेव कहते हैं मेरा मन प्राण चित्त जैसे साधु को मैं मिल गया घर में तो मैंने गया जैसे खाली शरीर में रात भर नींद नहीं आई घर में समझ आ गया सब लोग बैठे हुए थे मोटे मोटे प्रभुपाद का सुन रहे थे मोटे मोटे साधु मेरे गुरुदेव छोटे बच्चे थे अभी आकर के बोलना चाहते हैं क्या तुम लोग मेरे को साथ में लेकर के जाओगे लेकिन मेरे को हिम्मत नहीं हो रहा था उनके लिए कैसे इतने मोटे मोटे साधु को बोले मैं आगे ऐसे ऐसे देखना था वो तो समझ रहे थे कुछ बोलना चाहते हैं भारती महाराज ने कहा तुम कुछ बोलना चाहते हो हाँ बोले किसको उसका अंदर में छोटा भी साधु था बोले किसको बोलना चाहता हूँ छोटा देखा बोले जाओ क्या बोलना है बोले मैं चाहता हूँ आप लोगों को साथ में जाकर के भजन करना चाहता हूँ मंदिर में आप लोग क्या मेरे को ले जाओ ले पाओगे साथ में तो उन्होंने भारती महाराज को बोले साधु लोग इसलिए जाते हैं कहते ये बच्चे पकड़ने के लिए जाते हैं उनका काम तो बच्चे पकड़ना है किसी तरह से किसी बच्चे को पकड़ करके साधु बना अच्छी बात है लेकिन मेरे गुरुदेव जमींदार घर के बच्चा थे बड़े जमींदार घर के बच्चे थे उस समय इन्होंने जब उन्होंने सोचा इन्हें साधु बन जाएंगे उन लोगों ने क्या किया उन्होंने जब आए उनको पास में उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया ये बाबा लोग आकर के हमारे बच्चे का बुद्धि खराब करके पकड़ कर ले जा रहे पुलिस में रिपोर्ट कर दिया और जिस समय नदी पार करेंगे पार करने से पहले पुलिस आ गई वहां पर और इनको जोर जबरदस्ती पकड़ करके उन्होंने घर में इनको घर में ले गई जब ले गई जमींदार कह गई कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन ही इनके जीवन में मिलता जुलता है ये पेशाब करने के लिए जाए तो पीछे दो व्यक्ति पायखाना करने के लिए जाए तो दो व्यक्ति रात में सोए तो तीन चार व्यक्ति जमींदार करके बच्चे थे लेकिन इन्होंने देखा लेकिन उन्होंने चोटी गल में गड्ढी पहन लिया था इन्होंने देखा भैया ऐसे काम नहीं चले इन्होंने क्या किया अपना गले से गड्ढी को उतार दिए चोटी को काट दिए बोले सब बेकार ये साधु लोग ने मेरे कपड़े धारण कर दिया पता नहीं क्या बोल करके बेकार साधु बात कुछ नहीं सब बेकार बात है इन्होंने सारे उन्होंने ऊपर से उन्होंने ना नाटक किया पिता माता सोचे भैया बढ़िया हो गया बेटा हमारा बेटा समझ गया है उन्होंने बोले देखो बड़े दिनों से मैंने बहन के घर में गया नहीं चाहता अपना बहन के घर घूमा बोले कोई बात नहीं क्यों घर से उनको निकलने नहीं देते थे तो उन्होंने किसी तरह से उन्होंने बहन का नाम बोल कर आए तो आए कहां पर चलो प्रभुपाद के पास में बंगाल में आ गए हैं वो एक बंगाल में आ गए फिर हल्ला मच दिया हैं उनका नाम था सिंह शंकर बचपन का नाम बल फिर उसने घर वाले छोड़कर चला गया सिंह शंकर हल्ला हो गया फिर तो उसको बाद में आए तो परिवार वाले तो आए लेकिन उसको बाद में फिर उन्होंने नहीं गए लेकिन साधारण लोग का जो धारणा है साधु कौन बनते हैं जिनको काम धाम कुछ है नहीं पैसा कमाने का और जो इतना लिखा पड़ा है बंगाल में ऐसे सब लोग घूमते हैं लेकिन मेरे गुरुदेव भी उस समय कॉलेज में पढ़ते थे लेकिन जब मंदिर में आए ना जब प्रभुपाद का गण को देखा इतना हाई हाई सब अंग्रेज में कथा संस्कृत में कथा बोल रहे हैं और जब हरि कथा वहां पर विवेचना होती है इतने हाई हाई मेरे गुरुदेव ने सोचा भैया इतने कम पढ़ा लिखा पढ़ा सीख करके हम साधु नहीं बन सकते
मैं तो सोच रहा था साधारण लोग होंगे, लेकिन इतने लिखे बड़े मंदिर में थे भक्ति रखकर श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति गुदेर सौदी गोस्वामी महाराज, श्री जाचक महाराज, उनको विद्वता देखकर तंग रह गई। बोले भैया इतने से नहीं होगा। फिर गुरुदेव फिर वापस गए पढ़ने के, फिर उन्होंने घुमिया लग गया। लॉ पढ़ना कोई साधारण साधारण घर का बच्चे नहीं पढ़ सकते थे, बड़े हाई फाई घर उन्होंने वकीला तो उन्होंने पढ़ा, पढ़ करके उनका लास्ट पेपर था। फिर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज फिर प्रचारण गए। बोले क्या कह रहे हैं? बोले ये लास्ट मेरा पेपर है, देखे तुम्हें मंदिर में जाना चाहते। बोले बहुत पढ़ाई हो गया, छोड़ दो, चलो मेरे साथ में। उन्होंने सब कुछ छोड़ करके फिर उन्होंने भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को साथ में कह रहा है। इसलिए जिन्होंने हमारे गुरुदेव को अपना शिक्षा गुरु और अपना बहुत ऋणी मानते थे, बहुत ऋणी, हर समय कोई भी बात हो उनसे परामर्श करते थे, क्योंकि इनको प्रभुपाद का ये विनोद दा, ये प्रभुपाद का बहुत बहुत ये अंतर्गत सेवक थे। इसलिए मेरे गुरुदेव इनकी बहुत ऋणी मानते थे, इसलिए कुछ भी बात हो इनको पास में आकर के परामर्श लेते थे। और लास्ट में इनकी जो अंतिम जो संस्कार है, मेरे गुरुदेव ने रात भर जग करके इनके अंतिम संस्कार किया। और बाद में क्या होता है, जो कोई आचार्य चले जाए फिर क्या कभी आपस आपस थोड़ी बहुत इधर उधर होता है, लेकिन जब थोड़ी सी गौड़ीय वेदांत समिति में थोड़ी सी इधर उधर हुई, कुछ लोग को जैसे हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज बहुत लोगों को मिले थे, लेकिन हमारे भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज ये तो बड़ा गंभीर विश्वास करते हैं प्रवीण और प्रभुपाद के चरणासीन है, अभी आचार्य कौन बनेगा, इनको बाद में आचार्य कौन बनेगा, इसी विषय को लोग जब इधर उधर हुई, फिर मेरे गुरुदेव गए आकर के उन्होंने फिर सबको उन्होंने बुलाया, कोई मंदिर से छोड़कर भी चला गया था, फिर सबको बुलाया, फिर बैठाया, बैठा कर बोले देखो ये भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज ये कौन है? बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का चला सकते हैं, इसलिए इनको ही आप प्रश्न पद में इनको नियुक्त करो, क्योंकि पुराने हैं, हैं? लेकिन भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी वाइस प्रेसिडेंट बनाए और श्री भक्ति वेदांत तिलक गोस्वामी महाराज सेक्रेटरी बनाए, इन्होंने तीनों को उन्होंने अच्छे तरह से बांध करके इनको अच्छी तरह से, क्योंकि मेरे गुरुदेव स्वयं वो लायर थे, अच्छे तरह से उन्होंने समिति को बांध करके, बोले अगर कोई जरूरत पड़े मेरे पास आते रहना, मेरे से जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा तुम लोगों को मदद करने के लिए, लेकिन इधर उधर नहीं मत जाया करो। इसलिए उन्होंने मेरे गुरुदेव बांध करके तीनों को गए, इसलिए जब तक ये तीनों थे ना, ये गौड़ीय वेदांत समिति तस्स बस नहीं हुआ, पूरा ये तीनों पिलर के ऊपर में जब तक ये तीनों थे तब तक सही था, लेकिन जब एक पिलर टूटा है ना उसको बाद में थोड़ी इधर उधर होना शुरू हो गया, लेकिन जब तक ये तीनों व्यक्ति जब तक रहे तब तक कोई गौड़ीय वेदांत समिति में कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि दिन प्रतिदिन दिन दो गुना और रात चौगुना ये बैठते 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 गया, ये बैठते बैठते गया। इसलिए मेरे गुरुदेव प्रति कहते थे नारायण गोस्वामी महाराज ने सुना, बोले हम लोग सबके सब ऋणी है, कोई भी इधर उधर होता था कहते हम महाराज के पास में जाते थे, परामर्श मांगते थे महाराज से अभी क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। आप लोगों ने श्रवण किया है अभी अभी मेरे जो गुरुदेव तीर्थ महाराज बताए, इन्होंने जो एक जो ग्रंथ लिखे कहते श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, इन्होंने एक थे भक्ति गुदेव सरस्वती गोस्वामी महाराज, बहुत बड़े विद्वान संस्कृत में गुरु गुरु पंडित थे, प्रभुपाद ने इनको पास में एक इच्छा को प्रकाश किया था। बोले क्या इच्छा प्रकाश किया था? बोले जब तक वेदांत ग्रंथ के ऊपर है, जब तक कि अपना संप्रदाय की कोई भाष्य नहीं हो है? और वेदांत सूत्र जो है तीर्थमान बहुत अच्छी बात बता रहे थे, जो वेदांत सूत्र है कहते जो प्रस्थान त्रयी श्रुति प्रस्थान न्याय प्रस्थान और एक है स्मृति प्रस्थान, ये जो तीनों ग्रंथ के ऊपर में अपना संप्रदाय का भाष्य होनी चाहिए, अगर नहीं होना वो संप्रदाय नहीं मानी जाती है। यहाँ तक भी श्री शंकराचार्य ने ये तीनों ग्रंथों के ऊपर में उनकी संप्रदाय में भी भाष्य है, नहीं तो उनको संप्रदाय के उनको बाहर निकाल देते, जैसे से बलदेव प्रभु विद्याभूषण प्रभु को इन्होंने बोले तुम्हारी संप्रदाय में भाष्य कहा है, बोले महाप्रभु ने बताए अर्थ एवं ब्रह्म सूत्राना है, बोले नहीं पारिजात भाष्य और स्त्री भाष्य दूसरे दूसरे संप्रदाय में, तुम्हारे संप्रदाय में भाष्य क्या है, भाष्य होनी चाहिए। ये श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जा करके इन्होंने अपना भाष्य को सात दिन के अंदर में रचना की, उसी तरह प्रभुपाद बोल कर गए थे
भक्ति बुद्धि सरोजी गोस्वामी महाराज को, तुम कोशिश करो जो महाप्रभु का जो भाव जगत में महाप्रभु जो चीज देने के लिए आए थे, जो अनर्पित चरित्र का प्रेम को, उसी भाव के अनुरूप कोई कर्म का हमारे संप्रदाय का अनुरूप होनी चाहिए। लेकिन वो उन्होंने तो कोशिश किया था, लेकिन कोई छोटी मोटी ग्रंथ कोई निकाला था, लेकिन कोई सही सही नहीं निकाल पाए। मेरे गुरुदेव ने जब उन्होंने इसी वेदांत सूत्र के ऊपर में और गीता और उपनिषद के ऊपर उन्होंने अपना संप्रदाय की प्रभुपाद का विचारधारा के ऊपर में जब वो लिख रहे थे, भक्ति बुद्धि सरोजी गोस्वामी महाराज कहते हैं, मैंने जब सुना ये सिद्धार्थ महाराज कर रहे हैं, इतने प्रसन्न हुआ। तो ये प्रभुपाद का मनोभीष्ट था, प्रभुपाद की बात मेरे को बोल कर गए जरूर होनी चाहिए, तो उसको संप्रदाय नहीं मानी जाती है। जब मैं भाग भाग करके सिद्धार्थ महाराज के पास में गया और मैंने देख कर इतने प्रसन्न हुआ, बोले प्रभुपाद का ये मनोभीष्ट तुम स्थापना को पूरी कर रहे हो, जितना होगा मेरे तरफ से मैं तुमको मदद करूंगा, तुम ये ग्रंथ को प्रकाशित करो, ये ग्रंथ को तुम प्रकाशित करो। इसलिए वो बड़े खुश होकर कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले देखो बनवाल ये बात कह रहे थे, जगत में सबसे बड़ा बदान्य कौन है, जगत में सबसे बड़े बदान्य दानी किसको मानते हैं, जिसको ब्रज गोपियां कहती हैं, तव कथा मृतम तप्त जी बना और विशेष करके तीन अवतार किरण
मंत्रों को समझ बिंदु किरण और कणा तीर लिए वैष्णवपणा मतलब जब तक ये तीर ग्रंथ को नहीं पढ़ते ना आप वैष्णव नहीं कर सकते हो। उन्होंने ये ग्रंथ को प्रकाशित किया फिर उन्होंने महाजन कीर्ति संग्रह रूप में उन्होंने और दो ग्रंथों को महाजन कीर्ति संग्रह दो ग्रंथों को प्रकाशित किया फिर और एक सुंदर ग्रंथ का जो सिद्धांत विचार उसको कहां कहां अलग अलग विषय पर उन्होंने लेक्चर दिया उसको संग्रहित होकर और एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ और जो जो उपनिषद जो ग्रंथ है बता रहे ना सारे उपनिषद ने प्रकाशित किया है। इसलिए जो गौड़ीय वैष्णव में जो तीन ग्रंथ सांप्रदायिक होनी चाहिए मेरे गुरुपाद भगवान ने उचित अद्भुत रूप में प्रकाशित किया। अभी जिसको हमारे श्री कौन सा दीदी हाँ श्री मधु दीदी अभी इधर आ जाए श्री मधु खंडेलवाल अभी उसी ग्रंथ को महाराज बोल कर गए थे महाराज को और मेरे गुरुदेव ने और क्या लिखा बोले गीता गीता एक नहीं दो गीता जो श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनके जो दो जो इनका जो टीका गोबर में गुरुदेव ने जो संस्कृत में उन्होंने उसको अनुवाद कर अपना टीका गुरुदेव ने लिखा मतलब आप सोच नहीं सकते मेरे गुरुदेव ने उन्होंने संप्रदाय को रक्षा करने के लिए जैसे श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ये संप्रदाय को जैसे उन्होंने रक्षा किए कहते मेरे गुरुपाद भी संप्रदाय को रक्षा करने के लिए जो अद्भुत ये कर गए कहते ये संप्रदाय को उनकी चरण में चिरंजीवी के चरण में रहेगी। देखो और गुरुदेव अंदर में एक विशेष था मैंने देखा है जैसे हम लोग माला जप करते हैं जो गुरु निष्ठा है मैंने ये चीज को प्रभुपाद के बारे में देखा जैसे हम माला जप करते हैं देखा गुरुदेव को सारा दिन हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद सारा दिन प्रभुपाद का नाम लेते प्रभुपाद का प्रतीक का जो निष्ठा है क्योंकि बोले ध्यान मूलम गुरु पद मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु पद कृपा मूलम गुरु वाक्य इसलिए जब तक गुरु जी की चरण में निष्ठा नहीं होना गुरु जी की चरण में जिनको जितने भक्ति निष्ठा है उसकी अंदर में भगवत भक्ति उतना प्रकाशित तो होता है उतना इसलिए गुरु जी के अंदर में गुरु निष्ठा। और एक चीज मैंने देखा मैं नया नया मंदिर में आया था मेरे को इतना पता नहीं एक दिन गुरुदेव ने मतलब प्रभुपाद का गान कैसे कैसे एक दिन गुरुदेव ने स्वयं बताया बोले मेरे लिए रथ आया है लेने के लिए उनका जो महाराज का जो सेवक थे बोले प्रेमानंद में को स्नान करा अरे मेरे शरीर में तिलक लगा ले ये रथ आया मैं अभी मैं चला जाऊंगा अभी इतना बोल गई सारे भक्त लोग दुखी दुखी हो गए और उनको स्नान करके उन्होंने उनको तिलक लगा दिए तिलक लगा करके सब लोग भक्त लोग बैठ गए मैं तो नया नहीं आया मेरे को इतना पता नहीं इसलिए उन्होंने पता नहीं था क्या चीज होता है उन्होंने सारे भक्त लोग बैठ गए हरिनाम कीर्तन करना शुरू कर दिया गुरुदेव कह रहे मैं जा रहा हूँ रथ आया है और तिलक लगा दिया हरिनाम कर रहे जब कुछ गुरुदेव बैठ कर चुप बैठ करके हरिनाम कर रहे थे हरिनाम करते करते थोड़ी देर बाद में आया ना फिर गुरुदेव बोलने लगे महाप्रभु कह रहे हैं अभी तुमसे और कुछ काम करना कराना है अभी अगर चले जाओगे तो काम मधुर रह जाएगा इसलिए अभी और कुछ काम करके तुम जाना कोई महाप्रभु बोल रहे हैं और कुछ दिन रहना उसके बाद फिर गुरुदेव जो तो ध्यानस्थ हो गए थे फिर उनको ध्यान मिला मतलब जो प्रभुपाद का जो घर है ना कहते ना महाप्रभु प्रभुपाद जब आए वो अकेले थी वो अपना घर को साथ में प्रभुपाद आए ये सब चीज प्रभुपाद के घर में ये सब चीज दिखाई पड़ता है ये सब चीज सुनने से और बोलने से ना लगता है ये लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं ये महाप्रभु के परिकर प्रभुपाद ये लोग सबसे सब परिकर ये लोग है इसलिए उनका तो बहुत सारी कथा है बहुत दृष्टिकोण से उनकी बहुत और उनने ग्रंथ लिखे प्रभुपाद को क्या अद्भुत ग्रंथ लिखे प्रभुपाद का जो जीवन चरित्र वो कहते हैं कहते प्रभुपाद दो व्यक्ति को पास में दो रूप में प्रकाश आत्म प्रकाश किया जो साधारण व्यक्ति थे इनको पास में प्रभुपाद ने क्या आत्म प्रकाश किया है ये कौन है कहते भक्ति सिद्धांत सरस्वती हैं श्री भक्ति सिद्धांत ये सरस्वती रूप में हां बड़े विद्वत अविद्वता लेकिन जो उनका अंतरंग थे उनको पास में उन्होंने क्या प्रकाश किया बोले श्री भार सभार की देवी दयिताय कृपा द्वये कितना वृषभा नो सुता दई कारो चरम चरणा श्रीतरेणो रसमा महा
लेकिन क्या कहता है कि सूर्य पूजा करने जाते थे? नहीं जाते थे, वो केवल श्याम सुंदर से मिलने के लिए जाते थे। उसी तरह प्रभुपाद को ऊपर से क्या दिखाई पड़ता, बड़ी कठोर, ये एक बहुत बड़े आचार्य गुरुदेव कहते ऊपर से दिखाई पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद कभी कभी बोले मैं थोड़ा जंगल काटते काटते मेरे जीवन चला गया, लेकिन मैं जो चीज देने के लिए चाहता था वो चीज तो बहुत बहुत कम चीज को दे पाया। इसलिए उसी ग्रंथ में प्रभुपाद की जो अद्भुत अद्भुत विचार प्रभु गुरुदेव कहते हैं, जैसे रथ यात्रा का समय में दीप दीप रात क्यों रुक गया, कारण क्या? तो प्रभुपाद नयन महिमा के लिए, ये प्रभुपाद नयन महिमा के लिए और से भक्ति विनोद ठाकुर कवल में चलिए, लेकिन जहाँ जगन्नाथ जी तीन दिन तक खड़े थे क्यों नहीं आए? तीन दिन तक जगन्नाथ जी वहां पर इतनी सुंदर बात कहते हैं, कारण क्या? अपने कान राधा ने मान करके बैठे थे, श्याम सुंदर मनाने के लिए आए, और जब भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद को लाए ना, उनकी गले से अपने आप अधर मारा गिर जाता है, फिर चले जाने फिर जाते हैं। अद्भुत कभी प्रभुपाद पूरी में क्यों जन्म हुए, और कहीं तो नयन महिमा चलिए, कभी जो पूरी है वो विप्रलंब का स्थान से पूरी है, विप्रलंब स्थान से पूरी, अद्भुत अद्भुत प्रभुपाद के जीवन में जो उन्हें जीवन दिखाने वाले कुर्म देवता को पूजा क्यों करेंगे, वो तो नयन महिमा देखिए कुर्म देवता को पूजा करेंगे, बोले कुर्म देवता नहीं, जैसे महाप्रभु राधारानी की भाव में जैसे उनका सारे अंग अंग निष्कुल जाता था, कुर्म वो मूर्ति था, वो साधारण कुर्म देवता नहीं। इसलिए अद्भुत अद्भुत उन्होंने प्रभुपाद का जो जीवन चरित्र ऊपर में अद्भुत अद्भुत हमारे गुरुदेव ने ऐसे बात को बताए। इसलिए आज उनकी आविर्भाव तिथि है, जैसे उन्होंने सारा जीवन उन्होंने और एक चीज वैष्णव सेवा के नाम उन्होंने ये चीज दिखाया, जब परिक्रमा होती थी परिक्रमा में ज्यादा समय प्रभुपाद कहते उन्होंने परिक्रमा में बहुत कम जाते थे, और जाते लोग क्या खाएंगे, जैसे तीर्थमान सेवा करते हैं ना, कहाँ वैष्णव लोग रहेंगे, खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, ये वैष्णव सेवा भी ज्यादा नहीं करते। बोले क्यों? बोले भैया हमसे तो परिक्रमा हो नहीं पाया, हम तो इतने मुक्त पुरुष हैं नहीं, लेकिन जब वैष्णव का हम सेवा करेंगे, वैष्णव जब हमें हमारा आशीर्वाद करेंगे, अपने आप तुम सेवा ही जीवन का मूल है, इसलिए अपने आप वैष्णव का कृपा होगा तो अपने आप मेरे ऊपर ठाकुर जी कृपा करेंगे। इसलिए उन्होंने कृष्ण सेवा से ज्यादा महत्व उन्होंने वैष्णव सेवा में नया नहीं आया था। कलकत्ता से फूल की माला दिया है, रजनी कथा बड़ी सुंदर फूल माला आया, उसी समय कोई एक सन्यासी आए, जब जिस समय गद्दार का था जा रहे थे ना गोविंदा मंदिर पर, वो जो सुंदर सुंदर फूल माला बनाया था बहुत कीमती, वो ठाकुर के लिए मैंने देखा, वो सारी माला लेके गुरुदेव सारे वैष्णवों को पहना दिया, मैं तो डर रहा था भाई इतनी कीमती फूल की माला उन्होंने ठाकुर के लिए बनाया था वैष्णव को दे दिया नया। मैंने बाद में इसको पूछा, बोले इतना सुंदर हमने इतना कष्ट कर बने, कह देखो भगवान तभी संतुष्ट होते हैं जब वैष्णव संतुष्ट होते हैं, वैष्णव अगर खुश हो गए तो भगवान सेवा से वैष्णव सेवा श्रेष्ठ है। इसलिए उन्होंने सारे फूल माला वैष्णव ठाकुर के लिए नहीं रहा, क्यों? ठाकुर तभी संतुष्ट होते। इसलिए मेरे गुरुदेव शिक्षा दिया, भैया अगर ठाकुर को जल्दी जल्दी अगर प्रसन्न करना चाहते हो ना, वैष्णव सेवा, वैष्णव गुरु सेवा करोगे ठाकुर सबसे जल्दी। इसलिए जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी सिक्ख्या है, और कोई कोई एक जन्माष्टमी आया, सब लोग को निमंत्रण दे दिया जन्माष्टमी होगा, लेकिन मंदिर में कुछ है नहीं, सब लोग को चिंता में पड़ी कहाँ से होगा, कुछ नहीं, बोले चिंता क्यों करते हो, चिंता करने वाला बैठा है ना, केवल उनकी सेवा के लिए चेष्टा करो। इसलिए हमारे मंदिर में जाना इधर उधर नहीं जाते, अच्छे तरह से उनको सेवा करो, ठाकुर को सेवा करके ठीक रखना, ठाकुर प्रसन्न हो गए तो राधा रानी तो कृष्ण तेरे सेवा करके राधा रानी को दे दी, इसलिए राधा रानी को छोड़ दो कृष्ण सेवा कैसे होगी, सचमुच से कुछ कुछ नहीं, लेकिन ठीक उत्सव से पहले पता नहीं ट्रक सामान कहां से आएगा, दाल चावल चीनी, मतलब इतने इतने भगवत विश्वास इनके ऊपर में, जब हम ठाकुर को सेवा करेंगे राधा रानी सब चीज, राधा रानी सब चीज करने वाली, बृहस्पति राधा रानी की जय बोल करके अपना भक्तों को समाप्त करता हूं, दे हम सबको ऊपर में कृपा करे आशीर्वाद करे, जैसे उनके अंदर निष्ठा गुरु निष्ठा सेवा निष्ठा हमारी अंदर में भी वो सेवा निष्ठा गुरु निष्ठा है। हम गुरुदेव और भी बात करते देखो प्रभुपाद के लिए कह, देखो मैं हर जीवन में आया, कृष्ण का समय में भी आया मैं, राम का समय भी मैंने कभी आया होगा, महाप्रभु का समय में भी कभी आया होगा, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का समय में भी आया होगा, लेकिन मेरे जैसे अधम जीव को चोटी पकड़ कर किसी ने भगवत सेवा में नहीं लगाए, अगर मेरे को लगाए तो किसने लगाए, वैसे गुरुदेव प्रभुपाद जी
मेरे चुटी को पकड़ करके माया से जो निकाले मेरे गुरुपाद पद में निकाले। इसलिए गुरुदेव भी कहते थे गुरुदेव की चरण में हम कितने ऋणी हैं, किसी ने भी उद्धार नहीं किया मेरे को श्री प्रभुपाद ने उद्धार किया। इतने इनकी गुरु जी के प्रति प्रभुपाद के प्रति की इतने निष्ठा इन लोगों का है। इसलिए हम लोग सबके सब इनके चरण में ऋणी है। सबको मेरे को आशीर्वाद करे। अभी हमारे मधु दीदी मेरे ग्रंथ पर ट्रांसलेशन कर रहे हैं गुरु जी की। मधु दीदी कहाँ हो? मधु दीदी कहाँ? आश्रय कांति संश्लिष्ट
श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव ज्योति सम्मिलित आप ही सब कुछ हो, लेकिन हृदय में अनेकों प्रकार की वांछाएं रखता है, कामनाएं रखता है, इच्छाएं रखता है और अन्य देवी देवताओं के प्रति आदर करता है, ऐसा व्यक्ति मेरे हृदय में शुभ चुभोता है। श्री सिद्धार्थ महाराज ने जब जब श्रुतियों की व्याख्या की है, उन्होंने दो श्लोकों का विशेष रूप से वर्णन किया है, यस्य देवे पराभक्ति, जिसकी गुरु चरणों में पराभक्ति है उसके ही हृदय में मंत्रों के अर्थ परिस्फुट होंगे, और दूसरा यमेवेश गुरुदेव तेन लभ्य, जिसका वरण किया जाता है उसी को प्राप्त होता है। इस बात का उन्होंने पग पग पर विवेचन किया। प्रभु माजी उनको हर गौर आविर्भाव तिथि पर कई कई विशेषणों से विभूषित करते रहे। एक बार उन्होंने धाम प्रचारिणी सभा संसद से उनको विद्या बागीश की उपाधि प्रदान की, तो दूसरी बार महोपदेशक ख्याति प्रवर और तीसरी बार महोपदेशक की ख्याति प्रदान की, अर्थात जिनके उपदेश हम सबका कल्याण करने वाले हैं। उन्होंने जितना भी विवेचन किया वो बहुत लोकोपकारक कार्य है, इतना कल्याण का काम उनके द्वारा हुआ ये लोकातीत बात है, तो शाश्वत विचारधारा जो अवरोध क्रम से नीचे चली आ रही है, जितने भी गुरु वर्ग हैं यद्यपि सबने अपने अपने प्रकार से इस संसार के लिए बहुत कुछ अवदान किया है, लेकिन उनका अवदान एक विजय घोष बन गया है। उन्होंने गौड़ीय सिद्धांत की ऐसी पताका फहराई है कि उसके नीचे हम सब बड़े सुरक्षित और संरक्षित अनुभव कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारे जितने भी मेरे भ्रातागण हैं देश विदेश में अपने भक्ष स्थल को फाड़ कर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रंथ हमारे साथ हैं, इनकी व्याख्याएं हमारे साथ हैं, इनकी व्याख्याओं के परिप्रेक्ष्य में जो भी अध्ययन करेगा उसको भी यही उपलब्धियां होंगी। अचिंत्य फेलोरिक बात, जैसे कि एक सूत्र है, भगवान जब यहाँ पर अवतार लेते हैं तब नित्य धाम में भी वो रहते हैं, ये बात है, इन्हीं ग्रंथों के आधार पर समझी जा सकेगी। शक्ति शक्ति रतो मवेदः, शक्ति शक्तिमान में भेद है, राम कितने रसों के द्वारा सेवित होते हैं, कृष्ण कितने रसों के द्वारा सेवित होते हैं, ये सब बात उन्होंने खुलकर बताई। जन्मार्जन से यदा कहा तो उन्होंने स्पष्ट किया, यह दो वही मानी भूतानी जायन्ते, जिससे यह संसार उत्पन्न होता है। महाराज कह रहे थे कि ये उज्जवल रस है, उज्जवल रस के भी मूल सूत्र कहाँ है, भागवत में, कलौ वाम दृशाम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम, यही से प्रेम का उत्पादन हुआ और यही से फिर गोपाल प्राप्ति उपनिषद लिखा गया, पंचपदी प्रेम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। पग पग पर महाराज उनके पास खाली ईशोपनिषद की बंदे विद्याभूषण की टीका है, बाकी सब टीकाओं का उनका स्वयं का प्रयास है, और उन्होंने उसको व्याख्या करने के लिए रंग रामन उसकी कोई टीका नहीं है, हमारे पास टीका नहीं है, हमारे पास टीका नहीं है, तो रंग रामन उसकी टीका नहीं है। तो इस तरह से आप लोग जल्दी में मुझे बहुत सारी बातें बतानी है। वांछा कर्तुं वश्य भासितु इच्छा पतिराणां पावनं सुरेशं। अभी आपकी और पुष्पांजलि एखन आरती और एवं पुष्पांजलि आए पुष्पांजलि दो चलो। टाइम आ रहे बच्चे बांधते हैं अब नजारा लाइव अगर आ गए फिसल जाता है बहुत खतरनाक है मेरे पर तो बाधना पड़ेगी मैं कभी ऊपर में चला नहीं जा रहा दवाई का हरी बोल हरी बोल उधर चले जाओ उधर साइड से क्या बोलूँ
जय नित्रे नाभ्रो विष्णु विष्णु दान स्तोत्र शशिशन भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सन्मा श्री गुरु चरण बंधु चरिता
जहर चरिता तेरे गाय जहर चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु